देखो बच्चों, कौन से क्वेश्चन पे थे हम बताना जरा। 20th क्वेश्चन पे आ जाओ। 19th कर लिया था ना। 20th क्वेश्चन में क्या कहता है? सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाओ। सिलेंडर ये हमारा सिलेंडर हो गया। इसमें आपको गिवन क्या है? गिवन आपको सरफेस एरिया। आपको सरफेस एरिया गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम तो ये देख लिया करो। मैक्सिमम, मिनिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, ये किसके साथ ऐड है? अब जो मैक्सिमम वर्ड आया वॉल्यूम के लिए आया, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। और वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? जब वॉल्यूम का डेरिवेटिव आपका क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। सेकंड डेरिवेटिव तभी वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो आपको ये मैक्सिमम, मिनिमम, ग्रेटेस्ट, लोवेस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ये वर्ड चूज करने हैं, वर्ड ढूंढने हैं किसके साथ हैं। अब यहाँ पर वॉल्यूम के लिए आया मैक्सिमम, तो वॉल्यूम को आप मैक्सिमम तभी प्रूव कर सकते हो जब सेकंड डेरिवेटिव को आप ये प्रूव करो कि वो ग्रेटर देन जीरो है। एक बार अब सेकंड डेरिवेटिव वॉल्यूम को ग्रेटर देन जीरो करोगे तो मतलब आपको वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए। और ये किसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं? सिलेंडर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको पहले गैदर करनी होगी, देन प्रोसीड करेंगे। अच्छा, आपको यहाँ गिवन है सरफेस एरिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। अब ये नहीं बताया कि सरफेस एरिया कौन सा, कर्व या फिर टोटल। ठीक है, गिवन सरफेस एरिया, शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। और एक बोला है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। हाइट इज इक्वल टू डायमीटर यानी कि 2R। एक ये भी प्रूव करना है, H इज इक्वल टू दिस, ये सब प्रूव करना है। गिवन तो सिर्फ आपको ये है, ये सब तो आपका 2 प्रूव है। ये भी 2 प्रूव है, ये भी 2 प्रूव है। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैं बात कर रहा था कि इन्होंने ना तो ये बताया कि सिलेंडर कैसा है, क्लोज है या ओपन है। तो क्लोज या ओपन कुछ भी नहीं बताया, तो फिर तो हमें तो क्लोज ही लेना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात, ये भी नहीं बताया कि सरफेस एरिया कौन सा लेना है, टोटल या कर्व्ड, नहीं बोला। और ना ही हमें सिलेंडर का पता, इसलिए हमने सिलेंडर को ले लिया क्लोज। तो उसके टोटल सरफेस एरिया भी हम टोटल वाला लेंगे, टोटल सरफेस एरिया लेंगे, TSA लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बोला कि कौन सा लेना है। तो नहीं बोला है तो टोटल सरफेस एरिया लेना है। ठीक है, अब देखो, गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया होगा। पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस एरिया ऑफ टू बेस, ये आपको गिवन है। और मैक्सिमम मिनिमम आपको क्या करना है? वॉल्यूम, ये तो गिवन है, उसका रिलेशन लिख लिया हमने। हमने मान लिया कि जो गिवन सरफेस एरिया वो हमें एस गिवन है, तो एस किसके इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2πr स्क्वायर। दूसरी बात, वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों ये 2πr लिखना था, मैंने पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया। ठीक है, सरफेस एरिया में। अच्छा, वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना होगा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, एच एंड आर दो वेरिएबल हमारे पास हैं। डिफरेंशिएट करने से हम या तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एच के रिस्पेक्ट में, या इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, और दूसरे वेरिएबल को हमें रिप्लेस करना होगा, राइट? तो डिफरेंशिएट करने से पहले आप एक वेरिएबल हटाएंगे, और वो हटाया जाता है बच्चों गिवन की हेल्प से। तो ये देखो, इसमें गिवन क्या है? गिवन है आपको सरफेस एरिया, राइट? सरफेस एरिया आपको गिवन है, तो आप यहाँ से एच या आर की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। या तो आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए या एच की फाइंड कर लीजिए। अब अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ऊपर से आर की वैल्यू इजी फाइंड करना इतना इजी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर में, तो आर फाइंड करने के लिए तो वहाँ तो कॉमन फैक्टर बनाने पड़ेंगे, और वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग या फिर डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला, मतलब आर निकालना तो नॉट ईजी।
ऑप्शन बचता है हमारे पास कि हम एच निकाल लें। अगर हम यहाँ से एच फाइंड आउट करते हैं तो s माइनस टू पाई आर स्क्वेयर अपॉन में 2πr दैट इज इक्वल टू h, s माइनस 2πr स्क्वेयर अपॉन 2πr इज इक्वल टू h। 2πr h है ना वो, s माइनस 2πr स्क्वेयर अपॉन में 2πr दैट इज इक्वल टू h। यस ठीक है, वो h h सॉरी, ठीक है ठीक है। एच की वैल्यू हमें मिल गई बच्चों, एच की वैल्यू हम अपने वॉल्यूम में डाल देंगे, पाई आर स्क्वेयर। एच की वैल्यू कितनी है, एस माइनस टू पाई आर स्क्वेयर अपॉन में 2πr, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू आर इंटू एस माइनस 2πr स्क्वेयर। सो वॉल्यूम आपका आ गया एस आर माइनस 2πr क्यूब। जल्दी से मुझे ये बताओ बच्चों, ये किस किस को समझ नहीं आया, कोशिश तो मैंने समझाने की बहुत की, पता नहीं कितना समझा पाया, बताओ एक बार किस किस को समझ नहीं आया। तो टू कहाँ गया, उड़ गया होगा, टू बच गया ना, कौन सा नीचे वाला, माइनस टू पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, तो लिख लो इसको। हाँ किस किस को नहीं आया, अनिरुद्ध को नहीं आया, तो वो अपने वो अनिरुद्ध आपको देखो कई बार कहा है बेटा, आप माइक का ना अरेंजमेंट ठीक नहीं करते, अपना माइक थोड़ा नजदीक करके बोला करो ना। आपने एच का वैल्यू कैसे लिया, क्या अनिरुद्ध आपने एच का वैल्यू कैसे लिया, फिर से बोलो आपने एच का वैल्यू कैसे लिया। एच का वैल्यू यहाँ से निकाला मैंने, देखो दिखाई दे रहा है ये, तो उससे एक और वेरिएबल आ जाता है ना, उससे आप s आ जाता है, फिर s गिवन है, गिवन कांस्टेंट होता है s, क्योंकि हमें सरफेस एरिया गिवन है, देखो ऊपर लिखा होगा गिवन सरफेस एरिया, गिवन गिवन अच्छा, जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, तो s इज कांस्टेंट, s गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, मान लो दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, वेरिएबल नहीं बचा, तो गिवन टर्म कांस्टेंट मानी जाएगी। क्वेश्चन में बोला है कि गिवन सरफेस एरिया, अब मान लो आपको सरफेस एरिया दे दिया 500 मीटर स्क्वायर, तो ये वेरिएबल नहीं बचा बच्चे, ये कांस्टेंट हो गया। और बताओ निकाली कैसे वो बताऊं दोबारा, एस माइनस टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर को यहाँ लेफ्ट में लिया, दैट इज टू पाई आर एच। अनिरुद्ध अब ये टू पाई आर नीचे चला जाएगा, एस माइनस टू पाई आर स्क्वेयर अपॉन टू पाई आर दैट इज इक्वल टू एच, ये आएगा। आया समझ गया नहीं अनिरुद्ध, हाँ सर आ गया, और जान आगे का समझ आया अनिरुद्ध, ये आगे समझ, हाँ सर आ गया, बाकी तो फिर ये वैल्यू डालिए, कैंसिल वैंसिल कर दिया, जो बचा वो लिख दिया बस, बाकी तो कुछ टास्क है खास ऐसा है नहीं। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान रहे एस और आर दो वेरिएबल है, यहाँ पर एस कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, और अकेला बचता है फिर आर। सिलेंडर के डायमेंशन देखने हैं, आप सिलेंडर का वॉल्यूम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको सिलेंडर के वेरिएबल्स पे फोकस करना है, एस सिलेंडर की क्वांटिटी है बट वो कांस्टेंट है, आर सिलेंडर का वेरिएबल है, तो अकेला एक वेरिएबल बचा है आर, dv अपॉन dr, उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होगा एस आर, तो ये हो गया एस माइनस टू पाई आर क्यूब, टू पाई आर क्यूब का आप करोगे थ्री आर स्क्वेयर, ठीक है। dv अपॉन dr कितना आ गया, एस माइनस सिक्स पाई आर स्क्वेयर, एस माइनस सिक्स पाई आर स्क्वेयर, एस माइनस सिक्स पाई आर स्क्वायर, समझे आप। ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है। और मैक्सिमा और मिनिमा क्या किया जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट किया जाता है, मैक्सिमा और मिनिमा पुट, डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो, इसको जीरो पुट किया
एस माइनस सिक्स बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो हो गया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन में आपने ध्यान से सुना, एक एडिशनल चीज और प्रूव करनी थी, क्या थी वो याद है? हाँ तो कि h इक्वल टू d, h इज इक्वल टू d प्रूव करना था। इस टाइप की जो कंडीशन प्रूव करनी होती है वो हो जाती है फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो रखते हुए प्रूव हो जाती है। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखते हो तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ये प्रूव हो जाती है। क्या करोगे, इसमें जो गिवन होता है उसकी वैल्यू डाल दो। यहाँ पर गिवन की वैल्यू अगर हम डाल दें तो एस की वैल्यू थी 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर माइनस 6πR स्क्वायर एच इज इक्वल टू जीरो। 6πR स्क्वायर एच नहीं था बच्चों, 6πR स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 2πRh माइनस 4πR कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, टू भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, एक आर भी ले सकते हैं, आर एच माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आर कॉमन ले लिया, एच माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, आ जाएगा एच इज इक्वल टू आर। एक मिनट यार, टू बचेगा, कॉमन टू लिया था ना, वह फोर था। आइदर आर इज इक्वल टू जीरो वो तो हो नहीं सकता, रेडियस कैसे जीरो हो सकता है, तो एच इज इक्वल टू टू आर आ जाएगा। एच माइनस आर टू आर को जीरो रखेंगे इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से एच इज इक्वल टू टू आर आ गया, करेक्ट। एच अगर टू आर आ गया तो प्रूव हो गया एच इज इक्वल टू डायमीटर। तो जो एक इनफो कंडीशन प्रूव करनी थी वो तो हो गई, अब हमें सिर्फ वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। वॉल्यूम हमारा क्या था, डीवी अपॉन डी आर, हम निकाल चुके हैं डीवी अपॉन डी आर, दैट इज इक्वल टू एस हाफ ऑफ एस इंटू सिक्स पाई आर स्क्वायर, ये था। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव शो करना है तो डी टू वी अपॉन डी आर टू फाइंड करो, हाफ एस का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा माइनस 12 पाई आर, सो फाइनली आ गया 6πr माइनस। अनिरुद्ध ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, और तो मैक्सिमम प्रूफ हो गया क्योंकि माइनस आर। ये एक्सरसाइज काफी मुश्किल है बच्चों, ये हो गया 6πr, r पॉजिटिव पाई पॉजिटिव 6 पॉजिटिव बाहर लगा है माइनस, ओवरऑल ये नेगेटिव हो गया, तो प्रूफ हो गया। यहाँ मैंने गलत लिख दिया था पिछले पेज पे कि सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव शो करना है, साइन ग्रेटर देन का लगा दिया था, लेस देन जीरो, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम कब, व्हेन एच इज इक्वल टू, व्हेन एच इज इक्वल टू टू आर। एच अगर टू आर के इक्वल होगा तो वॉल्यूम आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, 21 ये कहता है ऑफ ऑल क्लोज सिलेंड्रिकल कैंस ऑफ गिवन सरफेस गिवन वॉल्यूम, क्लोज सिलेंड्रिकल। अब की बार देखो इसने बोल दिया कि सिलेंडर कैसा है, क्लोज्ड है, क्लोज सिलेंड्रिकल कैन। ऑफ ऑल क्लोज सिलेंड्रिकल कैन ऑफ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको गिवन है कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड डायमेंशन ऑफ द कैन विच कैन मिनिमाइज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को आपको मिनिमम करना है, सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमम। वॉल्यूम आपको गिवन है कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको तो ये गिवन हो गया, जो हम हर बार गिवन की बात करते हैं ना कि गिवन होगा, एक आपको प्रूव करना होगा। तो इस बार पिछली बार वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे दिया, सरफेस एरिया मिनिमम है, सरफेस एरिया मिनिमम है, ये करना है मतलब टू प्रूव है ये। तो सरफेस एरिया को मिनिमम करने के लिए डी टू एस अपॉन डी जो भी होगा, जिसके रिस्पेक्ट में भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट शुड बी लेस देन जीरो, ये हमें करना है।
और कुछ दिया है क्या? ठीक है, मोर देन, क्योंकि लेस देन मैक्सिमम के लिए होता है, मिनिमम करना है, मिनिमम करना है तो ग्रेटर देन जीरो। फाइंड डायमेंशन ऑफ कैच विद एंड मिनिमाइज द सर्फिस एरिया, और इसके रेडियस और हाइट फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है, ये काम करना है हमें। वॉल्यूम दिया है, सर्फिस एरिया को मिनिमम करना है, एच और आर फाइंड करना है, करेक्ट। देखो बच्चों वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू 100, ये तो हो गया गिवन। सर्फेस एरिया मिनिमम एस, एस सर्फेस एरिया कितना हो गया, पाई आर एच प्लस 2πr², ये आपका हो गया सर्फेस एरिया। ठीक है, एस इज इक्वल टू 2πr² प्लस 2πr², सो एस इज इक्वल टू पाई आर एच सर्कल के फॉर्मूले में 2πr² क्यों आता है? अच्छा डबल है, ठीक है समझ गया, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो ये हो, अब यहाँ पर हम एस को डिफरेंशिएट करेंगे, एस को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होना चाहिए, या तो एस में एच होना चाहिए या आर होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो उससे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना होगा, आप किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से देखो, या तो आप h की वैल्यू निकाल लीजिए या r की वैल्यू निकाल लीजिए। h निकाल लेते हैं, h निकाल के यहाँ डाल देते हैं, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, h आएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई r, h की वैल्यू हो गई 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 पाई r स्क्वायर, r को एक r कट कर देंगे, s इज इक्वल टू पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, 200 अपॉन आर प्लस 2πr², तो ये क्या हो गया बच्चों, माइनस 200 आर, माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ds अपॉन dr, माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस, ये कितना हो जाएगा 4πr, क्या हो जाएगा 4πr, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ds अपॉन dr इज इक्वल टू 0, क्या आएगा बच्चों बताओ जरा, माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4πr, तो यहां से आ गया माइनस 400 इज इक्वल टू 4πr², माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस 200, माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, सर माइनस हट ही जाएगा, हाँ माइनस काट देंगे, 4 से इसको कट कर देंगे 50 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया 50 अपॉन पाई, बेसिकली आर क्यूब हो गया बच्चों, आर लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई हुआ था, तो r की वैल्यू क्या आ गई 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ठीक है। हाँ सर, अगर आप R को यहाँ पर डालते हैं H में, तो H की वैल्यू क्या आएगी 100 अपॉन पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 50 अपॉन पाई रेज टू पावर 2/3, स्क्वायर निकालोगे तो 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है देख रहे हो। अब इस 100 को आप अगर लिखते हैं 2 × 50 और ये पाई, तो ये हो गया 50 to the power 2/3, और ये जो पाई टू द पावर 2/3 यहाँ से आएगा, ये ऊपर चला जाएगा पाई टू द पावर 2/3,
50 को आप यहां से कट करेंगे, यहां 1 पावर है, यहां 2 बाई 3 पावर है, तो ये बन जाएगा 50 टू द पावर 1 बाई 3। ये पाई है, ये पाई रेज टू पावर 2 बाई 3 है, कट करेंगे तो नीचे बचेगा पाई टू द पावर 1 बाई 3। पाई टू द पावर 1 बाई 3 लिखा हुआ है ये मैंने, तो फिर तो आ जाएगा 2 इंटू 50 अपॉन पाई रेज टू पावर 1 बाई 3, ये आपके एच की वैल्यू आएगी। ठीक है, एच और आर देखा जाए तो अभी भी एच इज इक्वल टू 2 आर ही आया है, पर अब की बार हमें ये प्रूव नहीं करना था, हमें जस्ट एच और आर फाइंड करने थे। यस सर, 1 माइनस 2 बाय 3, हाँ ठीक है, 1 माइनस 2 बाय 3, 1 माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 3।